सोलन जिला में 10 जनवरी 2021 को 3 नगर परिषदों एवं 1 नगर पंचायत के लिए मतदान होगा। ये जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त एवं निर्वाचन के लिए नोडल अधिकारी अनुराग चंद्र शर्मा ने दी। अनुराग चंद्र शर्मा ने कहा कि 10 जनवरी 2021 को सोलन जिला की नगर परिषद नालागढ़, नगर परिषद बद्दी, नगर परिषद परवाणु तथा नगर पंचायत अर्की के लिए मतदान होगा। उन्होंने कहा कि इन 3 नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के लिए 31,320 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि त्रुटि रहित मतदान के लिए कुल 39 पोलिंग पार्टियां कार्यरत रहेगी। अनुराग चंद्र शर्मा ने कहा कि तीनों नगर परिषदों और एक नगर पंचायत के लिए मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से होगा। मतगणना मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद की जाएगी। उसके बाद जो है 9 तारीख को हमारी जो पोलिंग पार्टीज है उनका सेकंड रिहर्सल होगा। आज फर्स्ट रिहर्सल है, 9th को सेकंड रिहर्सल होगा। सारा पोलिंग मटेरियल इनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा सो दैट दे आर रेडी फॉर पोलिंग डे, दैट इज 10th of January। हमारे पूरे जिले में देर आर 39 पोलिंग पार्टीज एंड देर आर 13 रिजर्व पोलिंग पार्टीज। तो ये है सूचना जो है आपके अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। अब आते हैं रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए। रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए जो है मतदान पार्टियों की जो प्रथम प्रशिक्षण है, द फर्स्ट ट्रेनिंग ऑफ पोलिंग पार्टीज विल टेक प्लेस ऑन 6th। उसके उपरांत जो है, जो कि हमारे, क्योंकि आप जानते हैं रूरल लोकल बॉडीज़ में हमारा जो इलेक्शन होता है दैट इज़ डन थ्रू बैलेट पेपर। तो हर बैलेट पेपर जो है कंटेस्टिंग जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं। इसके लिए जो हमारे जो टाइम की जो अवधि है वो 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक इन पेपर्स पर इनके नाम लिखे जाएंगे। जो हमारे पोलिंग पार्टीज की जो सेकंड ट्रेनिंग है दैट विल टेक प्लेस ऑन 12th। ऑन 13 जो है हमारे जो काउंटिंग ऑफिसर्स हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। और 15 तारीख को जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा मटीरियल का, पोलिंग मटीरियल का, एंड डिस्पर्सल ऑफ द पोलिंग पार्टीज विल टेक प्लेस ऑन 15th of January। अब क्योंकि पंचायत के जो चुनाव हैं उसमें हर ब्लॉक लेवल पे हमारे पास पोलिंग पार्टीज है और ये जैसा कि आप जानते हैं फेज़ वाइज ये इलेक्शन होगा, तो हर ब्लॉक के लिए हर फेज़ में 17, 19 और 21 तारीख को अलग अलग नंबर में पोलिंग पार्टीज है। तो पहले ब्लॉक कुनिहार में जो फर्स्ट फेज़ में जो है वी हैव 117 पोलिंग पार्टीज, सेकेंड फेज़ दैट इज 19th of January वी हैव 111 पोलिंग पार्टीज, एंड थर्ड फेज़ दैट इज 21st वी हैव 100 पोलिंग पार्टीज कुनिहार ब्लॉक के लिए। धर्मपुर ब्लॉक के लिए फर्स्ट फेज़ में हमारे पास 95 पोलिंग पार्टीज़ हैं, सेकंड फेज़ के लिए दैट इज़ 19 जनवरी अगेन वी हैव 95 पोलिंग पार्टीज़, एंड फेज़ 3 दैट इज़ 21st of January वी हैव 86 पोलिंग पार्टीज़। ये था धर्मपुर ब्लॉक। कंडाघाट ब्लॉक में हमारे पास फर्स्ट फेज़ में 49 पोलिंग पार्टीज़ है, सेकंड फेज़ में भी 49 पोलिंग पार्टीज़ है, और थर्ड फेज़ में 44 पोलिंग पार्टीज़ है, एंड थर्ड फेज़ में वी हैव 55 पोलिंग पार्टीज़। नालागढ़ ब्लॉक में हमारे पास फर्स्ट फेज़ में 188 पोलिंग पार्टीज़ हैं, सेकंड फेज़ में 186 पोलिंग पार्टीज़, एंड थर्ड फेज़ में 179 पोलिंग पार्टीज। टोटल जो हमारे पास नॉमिनेशंस रिसीव हुई हैं फ्रॉम 31st December टू 2nd of January, पूरे ज़िले में पंचायत स्तर पे जो चुनाव होते हैं 5 लेवल्स पर होते हैं। एक तो जिला परिषद सदस्य के लिए, सदस्य पंचायत समिति के लिए, प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्य के लिए। पूरे ज़िले में जिला परिषद सदस्य के लिए 93 नॉमिनेशन आई हैं। इसमें नालागढ़ में वी हैव रिसीव 39, कुनिहार में 19, कंडाघाट में 5, सोलन में 9 और धर्मपुर में 21। पंचायत समिति के जो हमारे सदस्य हैं उसके लिए हमारे पास टोटल 449 नॉमिनेशन फाइल हुई हैं। नालागढ़ में 120 हैं, कुनिहार में 100 हैं, कंडाघाट में 73, सोलन में 70 एंड धर्मपुर में 86। 449 टोटल नॉमिनेशंस फॉर सदस्य पंचायत समिति। प्रधान के लिए पूरे ज़िले में फॉर 240 पंचायत हमारे पास 1365 नॉमिनेशंस आई हैं। नालागढ़ में 458, कुनियार में 302, कंडाघाट में 163, प्रधान सोलन 198, धर्मपुर में 244, टोटल है 1365। उप प्रधान के लिए वी हैव रिसीव 1410 नॉमिनेशन। नालागढ़ में 425, कुनिहार में 296, कंडाघाट में 180, सोलन में 233 एंड धर्मपुर में 276। एंड वार्ड सदस्य के लिए वी हैव रिसीव 2827 नॉमिनेशन। नालागढ़ 997, कुनिहार 642, कंडाघाट 257, सोलन 392 एंड धर्मपुर 539। टोटल नॉमिनेशंस फॉर ऑल फाइव लेवल्स
इन डिस्ट्रिक्ट सोलन आर 6144। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।